अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। यार अभी आप लोगों ने देखा, इन लोगों ने कितना ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ था। अभी इन लोगों ने इतना नहाया ना, मैं सिर्फ बैठ के इनको देख ही रहा था। मैंने बोला यार इनको ज़रा देखते हैं और इनको रिकॉर्ड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये आपने लाजमी कमेंट में बताना यार। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगते हैं, दिल जो है ना एकदम खुश हो जाता है। किसी ने कुछ नहीं करना भाई साहब, किसी ने कुछ नहीं करना। बस ये आ गया भाई, देखिए हमारी मुर्गी ने अभी जस्ट अंडा दिया है। मैं इनको खोलने ही आ रहा था और इसने जो है ना अंडा दे दिया, तो मैं फटाफट आ गया भाई, नहीं तो इन्होंने तोड़ देना था अभी। ये सही है ना, अच्छे बच्चे बनो, बल्कि बाहर ही आ जाओ सारे, आ जाओ शाबाश, आ जाओ। तो भैया माशाल्लाह आज सारे सबको एक साथ बंद करने की आदत डाल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ये ना आहिस्ता आहिस्ता इनकी आदत बन जाएगी ना, फिर हमारे को मसला नहीं रहेगा। अभी असल में जो है ना वाइट ब्लीड एक्यूज के बच्चों को मारती है ना, थोड़ा डर डर के हम बंद करते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आदत बन रही है इसकी जो है ना। इनके बच्चे और डकी, ये सारे नए पर निकाल लें, देखें डकी के भी नए पर आ रहे हैं ऐसे। ये लोग जो है ना अब नए पर निकाल लें, तो मेरे ख्याल से साल में एक बार ये ऐसा होता है इनका प्रोसेस ना, इनके पुराने पर जो है ना वो झड़ जाते हैं और ये फिर नए पर निकालते हैं। तो हमारी डकी माशाल्लाह बहुत जल्द और खूबसूरत हो जाएगी माशाल्लाह। तरह यार हमारा जो नया वाला कॉकटेल है ना यार, उसकी जो है ना बेचारे के परों में पता नहीं क्या हो रहा है और आँख में भी पता नहीं क्या हो रहा है। उसके जो पर है ना, पर के पास के दोनों हिस्से जो है ना, जहाँ पे मतलब थोड़ी सी हड्डी होती है, वो दोनों जो है ना जख्म से हो रहे हैं उधर, और जो है ना इसकी आँख जो है ना वो भी एक जो है ना रेड रेड हो रही है। ये डंडी पे अगर बैठ गया ना तो मैं आपको दिखाऊँ, जरा डंडी पे बैठो। हाँ बैठो बैठो बैठो, ये देखें मैं इसकी दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप निशान इसके परों पर, इसको पता नहीं क्या हो गया यार हमारे नए वाले कॉकटेल को, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं बेचारे को क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। आँख में भी इसके मसला हो गया, पर में भी ऐसा हो गया। कॉकटेल मैंने फर्स्ट टाइम रखे है ना, तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं यार मुझे, तो आप लोगों ने लाजमी बताना कि इसको मसला क्या बना है। असील हमारी फिर दोबारा छोटे डोम के घर में घुस गई है, जिस तरह ये पहले अंडा देके कुड़क होकर बैठ गई थी ना, मुझे लग रहा कहीं आज भी ऐसी हरकत ना करे ये, क्योंकि हमेशा जो है ना यहीं पे जाके ये अंडा देती है। पता नहीं इसको क्या आदत है शुरू से, या तो अपना अंडा बाहर देगी कहीं पे, या फिर यहाँ पे घुस के दे देगी। और यहाँ पे जो है ना अभी देखते हैं इसने अंडा देना है 100%, अभी थोड़ी देर में अंडा आ ही जाएगा। इनका जो है ना अंडा चेक ही कर लेते हैं आज, क्योंकि इसने एक अंडा दिया हुआ था, अगर एक अंडे से ज़्यादा होगा ना तो हम जो है ना इसको, अरे माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, इसने दूसरा अंडा भी दे दिया ये वाली फीमेल ने, मतलब इसकी मटकी नहीं निकाल सकते यार, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर यही कह रहे हैं कि अगर इसने एक अंडे से ज़्यादा अंडा दिया हुआ है ना तो आप नहीं निकालिएगा, अगर एक ही दिया हुआ है तो फिर निकाल दिएगा। तो मैं अभी इसको देख ही रहा था, इसके दो अंडे पड़े हैं, मतलब इसकी मटकी हम रहने देते हैं अभी, तो थोड़े टाइम में देखेंगे, अगर समझ में आता है तो निकाल देंगे, नहीं तो फिर लगे रह लेंगे। इन बेचारों को तो खोला ही नहीं मैंने आज, हैं आ जाओ जल्दी से बाहर आ जाओ, लेकिन बस यार उड़ना नहीं, क्योंकि हमारा वो वाला पिजन हमें नहीं मिला यार। बस मैं क्या बताऊं यार आपको, जो हमारा पिजन उड़ा था ना उनके साथ का, वो हमें नहीं मिला यार, वो पता नहीं कहाँ चला गया। जिन भाई छत पे आके बैठा था ना, उन्होंने बोला था कि मैं शाम को उतार लूँगा, तो अब शाम टाइम उन्होंने उतारा नहीं उतारा ये अल्लाह बेहतर जानता। उनसे मैंने जब पूछा ना तो उन्होंने कहा कि यार शाम को तो वो मिला नहीं, तो खैर हो गई आ जाएगा हमारे पास कोई और पिजन। आप लोग बाहर आ जाओ, बस आप में से कोई नहीं उड़ना। और आज तो एक भाई को मैंने बुलाया अपने पिजन्स दिखाने के लिए, या हो सकता है मैं उनके पास जाऊँ उनको बुलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी वीडियोस देखी है ना, तो वो कह रहे हैं यार आपके पिजन्स जो है ना मतलब आगे पीछे हुए हैं सारे, लकी के साथ कोई और पिजन लगा हुआ है, दूसरे पिजन के साथ कोई और लगा हुआ है, शेराजी के साथ कोई और लगा हुआ है। कह रहे ऐसे नहीं होता, आप पेयर बनाए, शेराजी है तो शेराजी, लक्का है तो लक्का, और एक कलदूमी है तो वो, मतलब ऐसे जो है ना पेयर होने चाहिए, आड़े टेढ़े से जो है ना इनके जो बच्चे आएंगे ना वो फिर अच्छे नहीं आ पाएंगे, मतलब मज़ेदार नहीं होंगे, कोई कैसा होगा कोई कैसा होगा, तो ना मतलब जो है ना एक ब्रीड ही नहीं होगी सही तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि जो है ना आपने जो है ना पेयर कंप्लीट करने हैं, मतलब पूरा शेराजी शेराजी लका लका ऐसे जो है ना सब आपने कंप्लीट करने हैं। तो फिर आज मैंने उनको बुलाया, मतलब भाई टाइम निकाल कर हमारे पास भी आ जाए, ज़रा देख लें इनमें जो है ना कौन कौन मेल है कौन कौन फीमेल है और हमने किसको किसके साथ लगाना है, फिर हम इनको जो है ना अलग अलग पोर्शन में बंद करेंगे दो दो तीन तीन दिन, उसके बाद इनका पेयर लग जाएगा कंप्लीट। ये लो अभी ये बोलने लगे, इसको भूख लगी हुई है, अभी जो है ना इसके लिए चारा लेकर आते हैं, सब्र करो चारा लेकर आते हैं। आज चारा नहीं आया क्योंकि आज जो है ना चारा मिला नहीं था, लेने गया था ना वो कह रहे हैं यार अभी तक आया नहीं, तो आप थोड़ी देर पे चक्कर लगा लेना, तो अभी हम जाएंगे चारा लेकर आ जाएंगे। हाँ भाई कैसे टल्ली हो जाते हैं ये कसम से, देख रहे हो कैसे टल्ली, जैसे इन्होंने पता नहीं क्या पी के सो रहे हैं यार, एकदम टल्ली सारे के सारे। वो देखो ये भी टल्ली, सारे के सारे टल्ली हुए पड़े हैं। हाँ क्या हुआ भाई, जागो 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 जागो, हाँ अरे अरे जागो 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 जागो, सारे पी पी के टल्ली हो जाते हैं। इधर हेलो,
माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। चलो जाओ अंदर आराम से मस्त होके बैठो। सारे के सारे आराम से सो रहे हैं गर्मी की वजह से। तो हमारी डफ ने और अंडे दे दिए। ये अंडों की मशीन है सीरियसली। इधर आओ जरा दिखाओ कितने अंडे देखें। माशाल्लाह एक दो और ये तीन और ये चौथा बटेर का और ये पाँचवा भी बटेर का। सिर्फ बटेर के अंडे इंक्यूबेट करो, बाकी कोई अंडा इंक्यूबेट नहीं करना। ये भी इनफर्टाइल है क्या सारे। गुनिया फॉल्स को भी हम थोड़ी देर बाहर निकाल लेते हैं। आज मुझे जो है ना हमारी वो वाली गुनिया फॉल्स थोड़ी सी जो है ना डाउन लग रही है। पता नहीं उसकी तबीयत सेट नहीं है। ज़रा बाहर घुमा के देखता हूँ, अगर ये डाउन है ना तो इसको दवाई देनी पड़ेगी यार। आ जाओ आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह आ जाओ आराम से। ए माशाल्लाह नहीं यार सही है, नहीं सही है, माशाल्लाह सही है। देखिए आते ही इनकी दहशत देख रहे हैं आप, वो सारे के सारे अंदर चलेगा। देखें आप सब अंदर चलेगा, इतनी इनकी दहशत है। और वो सारे अंदर गए, वो देखो लड़ने के लिए आ रही है। लड़ना नहीं, इस साइड में हो जाओ। वे वे लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, मैं रुक जाओ, मैं डंडा लेकर आया हूँ यार। ये ऐसे कंट्रोल नहीं होते, मुझे जो है ना इससे डराना ही पड़ता है इनको हमेशा, वरना ये लड़ते हैं। वो देखो इसने छोटे डोन को डरा के अंदर भेज दिया। उतर रही उतर रही है, यहाँ से गायें आ गई, वही गायें उतर रही है यहाँ पे। थोड़ा बहुत यार माशाल्लाह। ओए ओ हो उतरी उतरी, खैर क्या लाते मारिए भाई। रज देखें आप कैसा लग गया बच्चों का। अब ये बच्चे और शोर मचाएंगे तो ये और घबरा जाएगी। ओहो पूरी गाड़ी हिलाई हुई है भाई। खंभे के साथ रस्सी बांधी भाई, रस्सी बांधी खंभे के साथ। और अब देखो ओहो भाई फुल खतरनाक, फुल खतरनाक। ये अगर रस्सी ना बांधे ना ये निकल जाएगा हाथ से। पूरी कोशिश करी यार ये, इसको किसी तरह ये ना सेफ तरीके से नीचे ले आए। ओए होए 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 ओ पलट गया पलट गया पलट गया। ओए 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 बच गया बच गया। अरे शुक्र है उतर गया आराम से। वो देखें भाई रस्सियाँ खींच रहे हैं। अब कहीं नहीं जाएगा क्योंकि बांध दिया ना खंभे के साथ, अब कहीं नहीं जाएगा। उतर गया भाई फाइनली उतर गया भाई साहब। मैं समझ रहा था कि भाग जाएगा कहीं, लेकिन भागा नहीं है। भाग जाता तो मज़ा आता। मैं ज़रा इनके लिए चारा लेकर आ जाऊँ, नहीं तो इन्होंने पूरी छत खा जानी है। ये देखें कितना तोड़ा हुआ छत को। सब्र कर जाओ, मैं चारा लेकर आ रहा हूँ यार। मैं ज़रा इनके लिए चारा लेकर आ जाता हूँ ना, क्योंकि ये इन्होंने छत पूरी ख़त्म कर देनी है। और इसको देखें ये कैसे आवाज़ें निकाल रहा है, देख रहे हैं आप। देखें आवाज़ें सुने माशाल्लाह। इतनी प्यारी आवाज़ें निकाल ला। असल में कोको जो है ना वो मैंने अंदर भेज दिया, क्योंकि वो मुझे देख के बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। मैंने बोला यार इसको अंदर ही भेज देते, नहीं तो इसने जो है ना सर खा जाना हमारा, तो इस वजह से मैंने उसको अंदर भेज दिया। मतलब इसको अंदर घुमाओ। चारा लेना था यार, ये देखो कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे। लूसन भी आई हुई है और बरसीन भी आई हुई, दोनों आई हुई है। ये मैं उठा लेता हूँ। आ जा चल, आ जा साथ ही आ जा भाई। अभी ऊपर चलते हैं जल्दी से चारा लेके, बकरी को चारा डालना नहीं तो वो पूरी छत खा जाएगी। आ जा भाई आ जा। आज जो है ना लतीफ़ को भी अपना सेटअप दिखाना है, क्योंकि बेचारा बीमार हुआ। मैंने लगा ऊपर आ तेरी सारी बीमारी ख़त्म करवाता हूँ अभी। देख तेरी सारी बीमारी ना ख़त्म हुई ना तो मेरा नाम बदल दियो, इतनी चीज़ें मेरे पास। आ जा आ जा आ गए आ गए भाई आ गए। वो देखो सारे बेचैन आ गए। यहाँ रख दे लतीफ, इधर रख दे। आए ये लो ये लो ये लो ये लो। आ जाओ अंदर आ जाओ, बाहर धूप है। अंदर आ जाओ अंदर 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 अंदर। ये लो, अरे थोड़ा सा पीछे तो हो जाओ। ये लो खाओ, ये लो चलो खाओ। बेचैन हो रहे थे, छत खा खा के पूरी एंड कर दी। ये देखो कैसे, तुम्हारी छत में बारिश होगी ना तो पानी गिरेगा, सही है ना। फिर नीचे बड़े बड़े डोंगे रख लेना, जैसे पहले रखते थे ना नीचे डोंगे, पानी टपक रहा उसमें जमा होता था। अभी इनको देखो इन्होंने कैसे पहाड़ बना लिया यहाँ पे। खड़े हो गए, रुक जाओ मैं दे रहा हूँ, सबर 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 मैं दे रहा हूँ। चलो ये आ गई लूसन। अच्छा हमारे रैबिट्स और हमारी डक्स है ना ये सिर्फ लूसन खाते हैं ये वाली, बाकी वो जो डाला है ना बकरी वाला जो हमने डाला है जंतर, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग तो यहाँ पे जंतर कहते हैं, तो ये जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं खाते हमारे रैबिट्स, सिर्फ ये खाते हैं लूसन। बहुत शौक से अभी देखना सारे बाहर आ जाएंगे और ये खाएंगे। ये हमारी असील इतनी गीली पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये भी गीली हो रही है और मलका भी जो है ना पूरी पूरी गीली हो रही है। वो देखें
ये दोनों के दोनों जो है ना, मुझे लग रहा है ये लड़े मेरे जाने के बाद जो है ना, यहाँ कहीं लड़े या तो ये पानी के अंदर गिरे, तो इस वजह से ये दोनों के दोनों गिले हो रहे। और ये तो सुबह से अंदर घुसी हुई थी, पता नहीं इसने अंडा दिया। हाँ अंडा दिया हुआ है असील ने, ये देखे ये पड़ा हुआ अंडा। असील ने अंडा भी दे दिया और काफ़ी देर का दिया हुआ मेरे ख्याल से। उए उए ये क्या हो गया, ये बेबी पनिश किससे बाहर आ गए। अरे भाई साहब ये किससे बाहर आ गए। हड़िया 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 हटो 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 हटो, अंडा यहाँ पे रखूँ मैं पहले संभाल के। बेबी पनिश बाहर आए हुए यार, ये कैसे बाहर आ गए, ये देखें आप। हटो बेगम हटो 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 हटो। ओए होए ये देखें, ये कैसे बाहर आ गए, लेटे हुए मस्त होके सो रहे हैं। भाई साहब बाहर क्यों आ गए। ओए एक और बाहर आया हुआ है, तीन तीन बाहर आए हुए, ये बाहर कैसे आ गए। मैं ओए ओए सब्र नहीं होता, देखो बाहर आके सारे मिट्टी में गंदे हो गए। ये देखो इतने होशियार हो गए, ये कहाँ से बाहर आए होंगे यार, ये कहाँ से बाहर आए होंगे। कोई जगह तो छोड़ी भी नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे बाहर आए, समझ नहीं आ रहा मुझे। जाओ भाई साहब ऐसी हरकतें ना करा करो, हमें टेंशन हो जाती है। सबसे छोटा ये वाला है, ये देखें मेरे ख्याल से भूखे हो रहे हैं ना, शायद इसलिए बाहर आए। रुक जाओ मैं अभी लाता हूँ फीमेल को, अंदर छोड़ता हूँ। फीमेल कहाँ गई हमारी, ओए इधर 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 अंदर जाओ। चलो अड़िया अड़िया अड़िया, अब ये खुद ही बच्चों को फीड कराई देगी, मैं जो है ना इसको बंद कर देता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको दाना पानी कर दिया और अभी शाम हो चुकी है ना, तो बस अब आराम का टाइम है इनका भी और मेरा भी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल हम और परिंदे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार, जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर करा दो, फिर इंशाल्लाह एक सरप्राइज़ है यार। तो इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्द जो है ना वो सरप्राइज भी मिल जाएगा, बस पहले 20,000 सब्सक्राइबर करा दो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह एक नई अलग वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।